इस वीडियो में हम इमोशनल अपसेट्स को दूर करने में रेकी के योगदान पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेडिकल साइंस दावा करती है कि हमारी 90% शारीरिक बीमारियों और 99% मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस और एंजाइटी यानी तनाव और व्याकुलता है। और जब स्ट्रेस और एंजाइटी लंबे समय तक बने रहते हैं तो डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD, पैनिक अटैक वगैरह मानसिक रोग हमारे जीवन में गहरी पैठ बना लेते हैं। बेचैनी पनपने से रिलैक्स रहना और खुशनुमा रिश्तों का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, रेकी एनर्जी स्ट्रेस को दूर करते हुए रिलैक्स होने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, जब भी आपका पार्टनर शाम को काम से थका हुआ तनाव में घर वापस आता है तो एक रेकी हीलिंग सेशन उसको तेजी से शांत और रिलैक्स करते हुए उनके फुर्सत के पलों को आनंदमय बना देगा। अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को नींद नहीं आती या कम अथवा मुश्किल से आती है तो सोने से पहले रेकी सच में मदद करेगी। दोस्तों, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान हमने नोटिस किया है कि पैरों और शरीर के निचले हिस्सों में रेकी प्रवाहित करने से व्यक्ति बड़ी तेजी से गहरी नींद में चला जाता है। निचले तीनों चक्रों यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुरा चक्रों पर हीलिंग बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ऐसा करने से एनर्जी सिर से नीचे शरीर में बहने लगती है जिससे ब्रीदिंग पैटर्न में धीमापन आ जाता है जो तेजी से रिलैक्सेशन और शांत चित्ता के पनपने का कारण बन जाता है। जब भी आपका शरीर रिलैक्स्ड और मन शांत हो जाए आप गहरी स्फूर्तिदायक नींद में जाने लगते हैं। दोस्तों, बहसबाजी, क्रोध हर परिवार की सामान्य समस्याओं में टॉप पर है। कितना अच्छा हो अगर हर कपल एक दूसरे को हील कर सके। भावनाओं को शांत करने के लिए और हालात में से गर्मी को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले खुद में रेकी प्रवाहित करना शुरू करें। अपने एक हाथ को मणिपुरा चक्र पर रखकर दूसरे हाथ को अपने अनाहत चक्र पर रखें जैसे आप स्क्रीन पर अभी देखने जा रहे हैं। कुछ इस रूप से। और अब तब तक रेकी प्रवाहित करते रहे जब तक आप पूरी तरह शांति और आराम महसूस ना करने लगे। अब आप अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को या फिर किसी को भी जो अपसेट है आप रेकी करने की पोजीशन में आ चुके हैं। अब उन पर भी वहां रेकी प्रवाहित करें जहां आपने अपने आप पर की थी, यानी एक हाथ मणिपुरा चक्र पर, दूसरा हाथ अनाहत चक्र पर रखते हुए। दोस्तों, एक रेकी हीलर के रूप में आप अपने उन फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को दिलासा दे सकते हैं जो अपने किसी नजदीकी प्रियजन के सदा के लिए बिछड़ जाने का दर्द झेल रहे हैं। दोस्तों, हमारे एक्सपीरियंस में आया है कि इन परिस्थितियों में रेकी हीलिंग करने से दुखी व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट महसूस करने के साथ साथ बहुत स्नेह, प्रेम और आराम महसूस करता है। ऐसी स्थिति में हमें अनाहत चक्र के पीछे पीठ पर रेकी प्रवाहित करनी चाहिए। वैसे भी जब हम किसी के शोक में जाते हैं तो शोकमय मित्र अथवा संबंधी को गले लगाकर उसके अनाहत चक्र के पीछे पीठ को सहलाते हैं। यह भी एक प्रकार की एनर्जी हीलिंग ही है। दोस्तों, आज की मॉडर्न सोसाइटी में जीवन पल पल बदल रहा है और बहुत बार ऐसा लगता है कि जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं पर हम अपना कंट्रोल खो चुके हैं। ऐसे में हैरानी ना होगी कि बिना चेतावनी कोई सदमा हमारे एनर्जी सिस्टम में प्रवेश कर जाए। बिना शक ऐसी परिस्थितियों में रेकी आपके लिए वरदान साबित होगी। अपने हार्ट के स्थान पर, अपने अनाहत चक्र पर एक हाथ रखते हुए और दूसरा हाथ मणिपुर चक्र पर रखकर
रेकी प्रवाहित करने से आप तुरंत शॉक से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा रेकी के अनगिनत फायदे हैं। आप बच्चों की आदतों में सुधार ला सकते हैं, उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए उनके रिजल्ट्स में सुधार ला सकते हैं, नशे की बुरी लत छुड़वा सकते हैं, अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास ला सकते हैं, अपने पालतू जानवरों की रेकी हीलिंग कर उन्हें तंदुरुस्त और खुश रख सकते हैं, पेड़ पौधों और फसलों की रेकी हीलिंग कर उत्पाद बढ़ा सकते हैं, भोजन की हीलिंग कर उसे पौष्टिक आहार में बदल सकते हैं। दोस्तों, रेकी में सब संभव है। रेकी एक ऐसी अनूठी आध्यात्मिक हीलिंग विधि है जिसे आप घर बैठे आसानी से सीखकर अपने जीवन के हर पहलू को संवार सकते हैं। विश्व के एकमात्र संपूर्ण सरल और सस्ते ट्रांसरेकी फाउंडेशन लेवल होम वीडियो कोर्स अभी अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें अथवा हमारे फ़ोन नंबर 9592004567 पे कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते एक नई जीवन बदलने वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।